फिर ये जो है जब 12 जो इसराइल के 12 गोत्र के प्रधान नहीं होंगे और 12 चेले जब बैठ कर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, तो फिर वो 12 जो है वो कौन हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य के 7 भागों में से तीसरे भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 4:1 से लेकर 3 तक के विषय में। आज हम उससे आगे अर्थात प्रकाशित वाक्य 4 उसके 4 से हम आगे सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्योंकि ये भविष्य की पुस्तक है और भविष्य के बारे में बातचीत करती है, हमारे भविष्य के बारे में, इस दुनिया के भविष्य के बारे में और उस भविष्य में होने जा रहे न्याय के बारे में विशेष तौर से वो बातचीत करती है। और एक चीज और भी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भविष्य में उस शैतान का क्या होने जा रहा है, परमेश्वर उसको किस तरीके से दंड देने जा रहा है और जो उसके कहने के अनुसार चलते हैं उनको भी किस तरीके से दंड देने जा रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रकाशित वाक्य 4 उसका सबसे पहले 4 हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है, पिछले संदेश में हमने देखा था कि एक सिंहासन है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और उसका वर्णन करते हैं कि वो प्रथम और अंतिम है और किस तरीके से परमेश्वर के उस स्वरूप की चर्चा हुई थी जो सिंहासन पर है। मगर इस पद के अनुसार अब हम देखते हैं कि वो जो सिंहासन पर बैठा है उसके चारों ओर और 24 सिंहासन है और जिस पर जो है श्वेत वस्त्र पहने 24 प्राचीन का मतलब होता है पुराने समय के लोग, या इंग्लिश में शब्द आया एल्डर का मतलब होता है बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग लोग जो है वो उससे 24 सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हमारे मसीह समाज के अंदर जो है इन 24 सिंहासनों को लेकर बहुत से मतभेद हैं। कोई कहता है कि ये जो 24 सिंहासन पर जो बैठे हैं ये इसराइल के 12 गोत्रों के 12 प्रधान हैं और 12 चेले हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपने अपने मतभेद हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ नहीं कहता, परंतु हाँ, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अपने आत्मा के द्वारा क्या सिखाता है ये जरूरी है, क्योंकि आत्मा की बात सुनना जो है वो बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये उस समय लिखी गई जब यूहन्ना इस बात को कहता है कि मैं आत्मा में आ गया। जी हाँ, आत्मा में आ गया और उसने उन सारी चीजों को पवित्र आत्मा में होकर देखा है, इसलिए इसके भेद को आत्मा में होकर जानना, आत्मा में होकर सीखना और आत्मा में होकर समझना जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं 24 जो सिंहासन है उस पे जो प्राचीन बैठे। श्वेत वस्त्र का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं इसका मतलब वो पवित्र लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है, जो इज़राइल का परमेश्वर बैठा है, जो मेरा और आपका परमेश्वर बैठा है, उसके साथ जो है ये पवित्र जो प्राचीन लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एल्डर लोग हैं, ये बैठे हुए हैं। और किस लिए बैठे हैं? क्योंकि न्याय करने के लिए बैठे हैं। ये बहुत ज्यादा जो है जरूरी है और इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम इन 24 प्राचीनों की बात करते हैं, जो सबसे पहले हम बात करते हैं इसराइल के जो प्राचीन है, 24 जो प्राचीन बैठे हुए हैं, 12 गोत्रों के 12 जो प्रधान हैं, जो वो बैठे हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इसका मतलब क्या है कि चेले उनके साथ बैठे हैं तो न्याय जो है वो इसराइल के लोगों का या इसराइल के गोत्रों का नहीं हो रहा है। एक बात ये चीज बड़ी ठीक से समझ लीजिएगा कि यदि न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं और चेले भी बैठे हैं, 12 चेले भी यीशु मसीह के बैठे हैं, तो इसराइल का न्याय नहीं हो रहा। न्याय देखिए कई प्रकार के न्याय होना है, ये नहीं है कि इकट्ठा सबको इकट्ठा करा और सबका न्याय हो गया। अलग अलग न्याय की कैटेगरी जो है वो रखी गई है, इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं
कि इज़राइल का न्याय नहीं हो रहा, क्योंकि जब इज़राइल का और इज़राइल के गोत्रों का न्याय होगा तो वो चेलों के माध्यम से होगा, और जब चेलों के माध्यम से होगा तो उस समय इज़राइल के प्रधान उस सिंहासन पर नहीं होंगे, मगर 24 लोग बैठे होंगे, फिर वो 12 कौन लोग होंगे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं हम पहले यीशु मसीह ने क्या कहा, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। मत्ती 19 अध्याय और उसका 28 पद, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। देखिए इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। जी हां, अब प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि ये जो है 12 चेले जो हैं ये इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है कि हम जो हैं उन सरदूतों का न्याय करेंगे। किन सरदूतों का, जो गिरा दिए गए थे। देखिए अलग अलग न्याय की कैटेगरी है और अलग अलग तरीके से प्रभु जो है सबसे न्याय जो है वो कराएगा, तो ये समझना जरूरी है। और ये भी बड़े भेद की बात है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हम जो इस अंतिम समय के लोग हैं हम लोग क्यों उन गिरे हुए सरदूतों का न्याय करेंगे, ये भेद की बात है। और ये अभी भेद की बात मैं यहां पर नहीं खोलूंगा, मैं यहां पर बात करूंगा 24 प्राचीनों की, यानी 24 जो यहां पर सिंहासन पर बैठे हैं उनकी बात करूंगा। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अब सवाल ये खड़ा हो जाता है आपके मन में, एक बात आएगी, कंफ्यूजन हो सकता है आपके मन में, मगर मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से भरकर आपके समक्ष खड़ा करा है कि फिर ये जो है जब 12 जो इज़राइल के 12 गोत्र के प्रधान नहीं होंगे और 12 चेले जब बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे तो फिर वो 12 जो हैं वो कौन हो सकते हैं। बाइबल के अंदर बहुत से परमेश्वर के लोग हुए हैं, बहुत से हुए हैं, और उनकी अलग अलग पोजीशन जो है वो अलग अलग है। जैसे जब हम भविष्यवक्ताओं की बात करते हैं तो भविष्यवक्ताओं की श्रेणी अलग है, जब हम याचकों की बात करते हैं तो याचकों की श्रेणी अलग है, जब हम और ऐसे ही और भी चीजें हैं जिनकी हम बात करते हैं उनकी सबकी श्रेणी जो है वो अलग अलग दिखाई पड़ती है और उनका अलग अलग अपना एक स्थान है परमेश्वर की दृष्टि में। जी हाँ, तो यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कुछ लोगों के बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है कि आप मेरे इस बात से सहमत हो और हो सकता नहीं भी हो, मगर आप सहमत हो या ना हो, मगर मैं आपसे सिर्फ ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस विषय में गहराई के साथ सोचें। चलिए मैं उन 12 लोगों के नाम पहले आपको बताना चाहता हूं। हाबिल, हाबिल जो था सबसे वो व्यक्ति था जो सबसे पहले जो परमेश्वर ने जिसकी भेंट को ग्रहण करा था, नंबर एक बात, उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण करा और उसके भाई ने जब उसको घात कर दिया तो परमेश्वर कहता है कि तेरे भाई का लहू जो है भूमि से मुझे पुकारता है। और परमेश्वर का वचन जब इब्रानियों 12 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि यीशु का जो लहू है वो हाबिल के लहू से उत्तम उत्तम बातें कहता है। तो इसका मतलब क्या है, हाबिल परमेश्वर की दृष्टि में जो था बहुत उत्तम व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसको बिल्कुल अंत समय तक लाकर जोड़ रखा है, उसके लहू से बातें कर रहा है प्रभु यीशु मसीह का जो बात है और उत्तम उत्तम बातें करता है ये बताता है। तो नंबर एक हाबिल है, दूसरा है हनोक। हनोक वो व्यक्ति है इस समय तक जिसने आज तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। देखिए हम लोग जब एलिया की बात करते हैं कि एलिया जो था परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया, बिल्कुल सही बात है जी, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि एलिया जो है वो यूहन्ना के रूप में आया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के रूप में, और इसकी गवाही यीशु मसीह ने स्वयं की है कि मानो या ना मानो एलिया जो आने वाला था वो आ चुका है और चेलों ने इस बात को जाना कि वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कहता है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में आया तो एलिया की वहां पर मृत्यु हो चुकी है। परंतु जब हम हनोक की बात करते हैं तो हनोक का पूरे परमेश्वर के वचन में कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि उसने दोबारा जन्म लिया और वो शारीरिक रूप में आया या मर गया। इसलिए हनोक जो है जिसने आज तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखा,
ठीक है, बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं मैं आपको जो है इन लोगों के बारे में। हम लोग अक्सर इन लोगों को इग्नोर करके चलते हैं और अपनी जो है अपने सोच विचारों को प्रकट करते हैं। इसलिए अपने नहीं, परमेश्वर का वचन भी कहता ना नित्य वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सारा ना ले, वरन संपूर्ण मन मन से परमेश्वर पे भरोसा रख और उसकी आत्मा के अनुसार हमें जो कुछ भी करना है वो करना है। अब हम बात करते हैं तीसरा व्यक्ति नू। नू जो है इस दुनिया का सबसे पहला प्रचारक रहा है। अब आप कहोगे कैसे? जी हां, उसने परमेश्वर के उस प्रचार का कार्य को पूरा किया है जो उसने 120 वर्ष का समय नू को दिया था। और नू 120 वर्ष तक परमेश्वर के उस जलप्रलय के द्वारा दुनिया के अंत के समय का जो है वो प्रचार करता रहा। जी, और नू जो था वो पवित्र था और परमेश्वर ने उस समय जलप्रलय के समय सिर्फ नू और उसके परिवार को बचा के रखा। ठीक है, तो नू को परमेश्वर ने बचा के रखा और वो नू लिखा है वो धर्मी था और परमेश्वर का आज्ञाकारी था, परमेश्वर की बात को मानता था। चौथे नंबर पे है अब्राहम। अब्राहम जो है जिसको परमेश्वर ने चुना और अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता कहलाया और परमेश्वर ने इसी कारण अब्राहम का नाम भी चेंज करा कि अब्राहम नाम था, अब्राहम नाम जो है तेरा अब से होगा और वो विश्वासियों का पिता कहलाया। पांचवें नंबर पे इजाक। इजाक जो है परमेश्वर, इजाक वो व्यक्ति है जो प्रतिज्ञा का पुत्र कहलाया। प्रतिज्ञा का पुत्र यानी परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि तेरे ही निज संतान को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तारा गणों के समान करूंगा और कण मिट्टी के कण के समान उनको फैलाऊंगा। तो ये जो है इजाक जो है ये प्रतिज्ञा का पुत्र जो है वो कहलाया। हम बात करते हैं याकूब की। याकूब जो है, इजाक से याकूब जब पैदा हुआ तो उससे परमेश्वर ने अपनी पूरी एक सेना बनाई जिसका नाम उसने इसराइल रखा और इसराइल के 12 गोत्र जो है वो याकूब से ही पैदा हुए और 12 गोत्र जो थे वो 12 प्रधान बने हैं। फिर है सातवें नंबर पे हम आते हैं मूसा। मूसा जो था इसराइल का पहला अगुआ कहलाया है, यानी अगुवाई करने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, उनको निकालने वाला, मिस्र की गुलामी से निकालने वाला जो है मूसा जो है प्रथम अगुआ जो है वो कहलाया गया है। यहोशू, यहोशू की जब हम बात करते हैं, परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा जो है पूरा येरो नगर जो कनान देश देना चाहता था वो पूरा जितवाया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मूसा एक बहुत बड़ा परमेश्वर का महायाजक के रूप में कार्य करता था और बहुत बड़ा अगुआ था, बहुत बड़ा उसने काम सौंपा। अब उसके स्थान पर किसी को नियुक्त करना ये बहुत मायने रखता है कि इतनी बड़ी पोजीशन पर जो वो है और परमेश्वर की दृष्टि में जो मूसा है जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि मूसा जो है पृथ्वी में रहने वाले सबसे नम्र स्वभाव का व्यक्ति, सारे मनुष्यों से वो गणना करता है कि सबसे नम्र स्वभाव का मूसा है, ना पहले कभी मूसा के तरह कोई नम्र स्वभाव हुआ ना होगा, उसके स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना जो जिसका स्वभाव मूसा से मिलता जुलता हो। और उसने किसको नियुक्त करा? यहोशू को करा। और यहोशू एक बहुत बड़ी बात है कि उसके स्थान पर जो है मूसा के स्थान पर चुना गया है। फिर है दाऊद। दाऊद जो है, दो चीजें हैं दाऊद के बारे में कि परमेश्वर कहता है कि मेरे मन के मुताबिक मुझे एक शख्स मिल गया और दूसरी बात वो कहता है कि मैं दाऊद का सिंहासन जो है सदैव स्थिर रखूंगा। और उस दाऊद के सिंहासन पर जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य को आगे बढ़ते चले जाएंगे हम देखेंगे उस दाऊद के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो विराजमान होता है और उसका सिंहासन हमेशा बना रहता है। तो एक क्वालिटी है दाऊद के अंदर जो परमेश्वर बता रहा है और जो परमेश्वर दिखाता है। और दूसरी चीज जो है, दाऊद जो है बचपन से नहीं डरता, किसी चीज से नहीं डरता था सिवाय परमेश्वर से, और वो हर एक परिस्थिति में क्या कहते हैं सामना करता था, भयंकर से भयंकर परिस्थितियों का सामना करता था और वो वर्णन भी करता है। इसलिए दाऊद जो है, बहुत सी बातें हैं इनके बारे में कहने के लिए मगर फिर कभी बताएंगे। फिर है दसवें नंबर पे डैनियल। देखिए डैनियल जो है, जब नबुकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई करी यरूशलम पर तो वो जो था डैनियल बंधुआई में बेबीलोन चला गया, बाबुल को चला गया। अब जब बाबुल को चला गया, डैनियल वो इंसान है परमेश्वर ने इसको चुना जिसने संसार के इतिहास का और आत्मिक इतिहास का जो भविष्यवक्ता ठहरा है, संसार के इतिहास का और आत्मिक इतिहास का जो है वो भविष्यवक्ता ठहरा है।
डैनियल जो है वो इस बात का जो वर्णन करता है जब आप करेंगे, और जब डैनियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप मिलाएंगे वर्णन करेंगे, तो बहुत कुछ जो डैनियल की पुस्तक में कहा गया है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में खोला गया है। यानी भविष्य का जो इतिहास है वो सब जो है वो डैनियल के द्वारा हुआ है। फिर हम बात करते हैं अय्यूब। अय्यूब जो है बाइबल के अंदर वो व्यक्ति है कि हर एक मनुष्य के मुंह पर जब हम शैतान की बात करते हैं, जब हम शैतान के हारने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जुबान पर नाम आता अय्यूब का। जब हम शैतान के द्वारा कष्टों की बात करते हैं कि उसने किसको सबसे ज्यादा कष्ट दिए, तो जुबान पे आता अय्यूब। हालांकि कष्ट तो उसने सब परमेश्वर के सभी लोगों को दिया, परंतु अय्यूब का वर्णन बहुत होता है। और अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में खरा मनुष्य था और शैतान का को हराने वाला व्यक्ति जो है वो ठहरा है। फिर है ये 11वें नंबर पे था। 12वें नंबर पे है सैमुएल। सैमुएल जो था, जो भविष्यवक्ता था, इसको जो है मन्नत का पुत्र कहेंगे। अब मन्नत का पुत्र कैसे कहेंगे? सैमुएल की माँ जो थी बहुत परेशान थी, क्योंकि जो सैमुएल थे उनका जो पिता था उनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी से तो बच्चे थे, और वो जो था सैमुएल की माँ को जो था बहुत मतलब चिढ़ाते थे, बहुत दुखी थी। और इसलिए जब वो मंदिर में गई और वो जब प्रार्थना करने लगी, रो रो के प्रार्थना करने लगी, और उसने ये कहा कि प्रभु अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं वो पुत्र तेरी सेवकाई के लिए सौंप दूंगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो मन्नत उसने मांगी, परमेश्वर ने उसकी मन्नत को पूरा करा और उसको सैमुएल दिया। और उसने परमेश्वर से जो वायदा कर रहा था, जब उसका दूध छुड़ाया गया तो उसने वो जाकर सैमुएल को परमेश्वर के समक्ष जो है मंदिर में अर्पण कर दिया कि अब सदैव जो है प्रभु की सेवकाई करता रहेगा। हम लोग भी कभी कदार अपना मन्नत मांग लेते हैं और कहते हैं ये प्रभु की सेवकाई करेगा, परंतु हम उसको जो है उसकी परवरिश उस तरीके से नहीं करते हैं और वो परमेश्वर से दूर हो जाता है और बाद में जो है बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो आती है। यहाँ है तो आपने देख लिया ये 12 लोग जो है प्राचीन है और माने व्यक्ति हैं, और इनके अंदर खूबियां हैं जिनको परमेश्वर जो है सियासन पर बैठा कर जो है वो राज करेगा। अगर 12 इसराइल के 12 गोत्र होंगे तो ये 12 लोग होंगे, और अगर चेले होंगे तो फिर भी ये 12 लोग, यानी 24 जो सियासन है वो प्राचीनों से जो है वो भरे होंगे, जो पवित्र लोग होंगे। आगे देखते हैं हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 5वें पद को। यहां पर लिखा हुआ है उस सियासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सियासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, और वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यहां पर परमेश्वर का जो वचन इस बात को कहता है, जब आप देखिए सियासन के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर जो है परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है कि परमेश्वर उस सियासन पर बैठा है, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। जो ये बिजलियां हैं, गर्जन है, और इनके बारे में यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो निर्गमन 19:16, प्रकाशित वाक्य 8:5, प्रकाशित वाक्य 11:19, प्रकाशित वाक्य 16:18, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है वो गर्जन और बिजलियां और ये सारी चीजें जो है वो सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं यूहन्ना को, और वो उसका वर्णन करता है यानी परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ कहाँ प्रकट है। तो ये बिजलियां, ये गर्जन और ये जो ये शब्द जो है, ये सारी चीजें जो है इस बात का वर्णन करती है कि यहां पर जो है परमेश्वर की उपस्थिति है, उस सिंहासन पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वो इस चीज को दर्शाता है। जब हम बात करते हैं जो सिंहासन के सामने आग के जो 7 दीपक जल रहे हैं, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य 5:6 पढ़ेंगे तो 7 सींग और 7 आंखें भी, ये भी परमेश्वर की 7 आंखें हैं जो संपूर्ण पृथ्वी को निरंतर देखती रहती हैं और हर एक मनुष्य को परखती हैं, हर एक मनुष्य को जांचती है, और पृथ्वी पर वो देखती रहती हैं। वो लिखा है, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वे 7 आत्माएं कौन सी है। सबसे पहली बात है, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर आत्मा, आत्मा एक ही है, परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 12:4 पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। उस आत्मा के जो रूप है, जो देखने का अंदाज है, जो इस पृथ्वी पर समाने का जो रूप है वो प्रकट करता है यशाया। जी हाँ, यशाया, जब आप यशाया 11 का
अध्याय उसका दो पद पढ़ेंगे तो वहां पर सात आत्माओं का वर्णन है। मैं आपको सिर्फ पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बता देना हूं। पहला यहोवा का आत्मा, दूसरा बुद्धि का आत्मा, तीसरा समझ का आत्मा, चौथा युक्ति का आत्मा, पांचवा पराक्रम का आत्मा और छठा ज्ञान का आत्मा, सातवां यहोवा के भय का आत्मा जो है। ये सात प्रकार के आत्माओं का वर्णन वहां पर दिया गया है, यानी परमेश्वर आत्मा है, आत्मा एक है, उस आत्मा के सात प्रगटीकरण हैं या सात रूप जो हैं वो प्रकट किए गए हैं कि कैसे परमेश्वर कार्य करता। अगर किसी को बुद्धि की आवश्यकता है तो बुद्धि का आत्मा बनकर, परमेश्वर का जो आत्मा है वो बुद्धि का आत्मा बनकर उसको बुद्धि प्रदान करता है। समझ चाहिए तो समझ के द्वारा, पराक्रम चाहिए, जो भी चीज है वो उस रूप में आकर उसको गाइड करता है और उसको जो है परमेश्वर की सामर्थ्य परिपूर्ण करता है। तो ये परमेश्वर के सात आत्माओं का जो है यहां पर वर्णन दिया गया है। अब हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 6 पद में, यहां लिखा हुआ है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंख ही आंख है। अब यहां पर जो है जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर बहुत सी चीजें हैं। देखिए, कांच का समुंदर जो है बिल्लौर के समान है, अर्थात बिल्लौर के समान होने का मतलब क्या है, सबसे बढ़िया जो कांच होता है जिसमें शाइनिंग होती है, जिसमें बिल्कुल दाग नहीं होता है, जो परमेश्वर का सिंहासन लगा उसके सामने जो है ऐसे फर्श जो है वो पड़ा हुआ है, कांच का समुंदर का जो फर्श है शाइनिंग है, चमक रहा है, एक जरा सी भी गंदगी नजर नहीं आती है, वो इतना स्वस्थ पवित्र है, साफ है, इतना जो है वो सिंहासन की बात कर रहे हैं, चमकदार जो है वो वहां पर बात कर रहे हैं। समुद्र का प्रयोग जो किया गया है, फर्श की लंबाई चौड़ाई जो है वो इतनी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप समुद्र के बीच में चले जाइए और खड़े हुए हैं और आपको चारों तरफ पानी पानी दिखाई देगा, आपको जमीन दिखाई नहीं देगी, चारों तरफ पानी। ऐसे ही जब आप उस सिंहासन के सामने या उसके बीच में जब खड़े होंगे तो वहां पर आपको सिर्फ कांच का वो जो है बढ़िया कांच का चमकदार शाइनिंग फर्श ही फर्श दिखाई देगा और कोई चीज दूर तक नहीं दिखाई देगी। ये परमेश्वर के जो वचन की बात है वो कही गई। और वहां लिखा है ना कि उस सिंहासन के चारों तरफ, यहां देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंख ही आंख है। ये 4 प्राणी कौन है, इन 4 प्राणी का क्या कार्य है, ये 4 प्राणी किसको दिखाए जा रहे हैं जो सिंहासन के चारों ओर हैं, इसका वर्णन हम आज के इस वीडियो में नहीं करेंगे, आने वाली वीडियो तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे और इंतजार करिए कि ये 4 प्राणी कौन है और इन 4 प्राणियों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।